हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 140 किलोमीटर दूर यानी उपमंडल के निर्वन खंड के तहत देवढांग में प्राकृतिक रूप से बनी शिव गुफा में लोगों की आस्था का केंद्र बना है। शिवरात्रि के दिन यहां दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन यहां दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खासकर संतान प्राप्ति को लेकर जाने वाले की मुराद पूरी होती है। प्राकृतिक रूप से मिट्टी से बनी इस गुफा में वही लोग अंदर और बाहर जा सकते हैं जो धर्मी हो। पापी कुदरत ही प्रवेश नहीं कर सकता। मशहूर श्रीखंड यात्रा का प्रथम पड़ाव भी इसी देवाड़ा गुफा को ही माना जाता है। शिव ने श्रीखंड जाते हुए देवरांडा से ही भस्मासुर से बचने के लिए गुफा की शरण ली थी। शिवरात्रि के दिन यहां लोगों का तांता लगा रहता है। फाल्गुनी ने बताया कि देवढांग में शिव की सदियों पुरानी गुफा है जिसकी काफी मान्यता है। दर्शन के लिए हम जहां जा रहे हैं शिवरात्रि के दिन यहां लोगों का आना जाना ज्यादा होता है। जो श्रद्धा पूर्वक इस मंदिर में जाता है उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नमस्ते, हैप्पी शिवरात्रि आप सबको। हम लोग यहाँ देवढांग, ये एक गुफा है, बहुत पुरानी गुफा है। ये रामपुर एरिया में इसको बहुत माना जाता है, रिलेटेड टू शिव जी है। और ड्यूरिंग शिवरात्रि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट आता है क्योंकि मोस्टली लोग इस गुफा को प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि पुरानी जितनी भी हमारी एंशिएंट लोग और जो पुराने लोग बुज़ुर्गों से सुना है कि यहाँ पे हमारी जो भी मनोकामना है वो पूरी होती है। और ऐसा भी बोला गया है कि अगर जो पापी होता है, पाप है। उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। एंड आप लोग देख भी सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आ उसकी यात्रा सफल नहीं हो पाती। हाँ। एक संकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। हाँ, इसलिए अगर आपका तो पापी मन लोग वहाँ फंस जाते हैं। बोलते हैं मंदिर पंडित हरदयाल ने बताया कि यहाँ प्राकृतिक गुफा मिट्टी और पत्थरों से बनी है। इसमें प्राकृतिक रूप से शिव का पूरा परिवार बना है। शिव शिवरात्रि के दौरान यहाँ आने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खासकर संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर धर्मी और पापी की पहचान होती है। जो पापी होगा वह गुफा में प्रवेश नहीं कर पाएगा और न ही बाहर निकल सकता है। शिव जी है, पार्वती है, कार्तिक स्वामी है, गणपति है, नंदी है, शिवजी है, जो भी शिव जी के गण जब शिव परिवार सारा ही है। यहाँ शिव जी की एक सबसे बड़ी मान्यता ये है कि यहाँ हर आदमी की मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे संतान के लिए, खास करके जिसके संतान ही होती है तो यहाँ आने से संतान होती है। दूसरी बात है, जब श्रीखंड के लिए यात्रा जब होती है यहाँ पर, तो पहला पड़ाव जो है देवढांग में होता है। श्रीखंड यात्रा यहाँ से शुरू होती है, पहला पड़ाव श्रीखंड में जाने के लिए। तो ये जो गुफा है इसका क्या महत्व है? गुफा, श्रीखंड की गुफा, जो देवढांग की गुफा है, इसका एक ऐसा प्रमाणित है कि जब भस्मासुर ने शिव जी की तपस्या की थी तो भस्म कंगन का वरदान तो इसमें क्या पापी लोग जा नहीं पाते, क्या माने? नहीं, इसमें जो अच्छा जो इसमें जो गुफा है, जो छोटी सकरी गुफा है, उसमें एक मानता है जब मोटे से मोटा आदमी या भारी आदमी उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी के अंदर पाप होगा, कपट होगा, चाहे दुबला पतला भी होगा, फंस जाएगा गुफा में अभी तक। स्थानीय निवासी सन्नी ने बताया कि प्राचीन प्राकृतिक मंदिर है, इस गुफा में पापी अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। शिवरात्रि के दिन यहाँ दूर दूर से लोग काफी संख्या में आते हैं। मेरा नाम सन्नी है, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज महाशिवरात्रि का पर्व है तो यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। यह एक तीर्थ स्थान है और इस यहाँ पर काफ़ी मनोकामनाएं पूरी होती है, तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और काफ़ी श्रद्धा रखते हैं भोलेनाथ के प्रति। ये गुफा कैसी है? ये गुफा मिट्टी और पत्थर से बनी है, काफ़ी प्राचीन काल की है, काफ़ी पुरानी है। हम भी इसको छोटे से देखते आए हैं तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। मतलब एक तीर्थ स्थान है, अच्छा है, श्रद्धा है लोगों के प्रति, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर शिवरात्रि के पर।